रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से है, जहां के स्थानीय विधायक से लेकर ग्रामीण जनता तक प्रशासन और स्थानीय मंत्री पूर्व विधायक पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है। एक दिन पहले ही स्थानीय विधायक अभय मिश्र ने क्षेत्र के विकास में अवरोध उत्पन्न करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी, साथ ही आंदोलन की चेतावनी दी है। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के चौरा निवासी ग्रामीणों ने स्थानीय लाइनमैन पर परेशान करने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूर्व विधायक केपी त्रिपाठी के गांव हरदी तक लाइट की सप्लाई 24 घंटे रहती है। इसके आगे के गांव की लाइट सुबह बंद कर दी जाती है और शाम 8 बजे आती है, जिसके चलते स्थानीय लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं और भीषण गर्मी भी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि लाइनमैन कलीम खान से अगर सवाल किया जाए तो यह कहता है कि उसे ऊपर से आदेश है, जबकि कोई आदेश की ना तो उसके पास कॉपी दिखाता है और ना ही आदेश है, नहीं मेंटेनेंस का कोई कार्य हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि स्थानीय विधायक के साथ साथ जब जनता भी यह आरोप लगा रही है तो कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। क्या सत्ताधारी पार्टी के द्वारा भाजपा प्रत्याशी केपी त्रिपाठी की हार का बदला क्षेत्र की जनता से लिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो क्या सही है? क्या अब भविष्य में चुनाव नहीं होंगे और क्या सत्ताधारी पार्टी के लोग आम जनता के बीच वोट मांगने नहीं जाएंगे? बता, ये कौन गांव है? चौरा यार। क्या समस्या है? समस्या ही लाइट आज एक हफ्ता से ऊपर होगा, रोज दिन के 9 बजे से कट जाती है। फार्म के जाऊँ है तो 6 बजे चालू होती। लाइन मैन से बात करे तो कहते मेंटेनेंस हो रहा है। मेंटेनेंस के नाम में कौन है कि अगर हवा चल दे तो बंद हो जाती लाइट। लाइन मैन कौन है? लाइनमैन कलीम खान है। फीडर कौन है? परमामेंट जाऊँ है तो मेंटेनेंस के नाम पे पैसा पर निकाला जाता है, बाकी आज तक जाऊँ है तो मेंटेनेंस के नाम में कौनों काम आज तक सुधार नहीं हुए गाँव के। फीडर कौन है? फीडर बता दे। हैं उनमें एक एक हाथ दो दो हाथ मानो गहले गड्ढा है। आज सब स्टेशन का लागत है या पावर हुआ है का नाम है रहा है। और एक अलावा? एक अलावा ये समस्या है कि रोज ये लाइट 14 फरवरी के बंद होते हैं, बाकी पूरे हर कहो मेंटेनेंस नहीं हो, रहाट में नहीं हो, कहो नहीं हो। छोटे छोटे लड़का बच्चा सब परेशान है, पानी का बनी का दिक्कत है। चलिए ठीक। सूचना देते का के बिना सूचना के कुछ पूछू पूछना नहीं रहा। सूचना तो दे चाहिए। ग्रुप में गला नहीं डाले, मनी पानी गला नहीं भर पावे। कलेक्टर के आदेश है कि कुइयां इदारा में जरवा रख दी है। बोर भर है, बोरों में मनी का पानी भर पिए करनी, बिना नहाए मनी आज पब्लिक सब दोपहर के बैठी है। कौन गाँव है? ग्राम पंचायत चौरा है। क्या समस्या है? समस्या ये है कि लगातार लगभग पिछले 10 दिनों से बिना किसी पूर्व सूचना के दोपहर को बिजली जो विद्युत प्रदाय वो बंद रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और जो वृद्ध हैं, तो उनको ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और जो यहाँ के जो क्षेत्रीय विद्युत सुधारकर्ता हैं कलीम खान, यदि उनसे संपर्क साधा जाता है तो उनकी तरफ से यह कह दिया जाता है कि हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं तो अधिकारियों की तरफ से हमें आदेश दिया गया है तो आदेश का हम अनुपालन कर रहे हैं, जबकि उस आदेश के संदर्भ में विषय में किसी प्रकार से गांव में या फिर कहीं पर भी जानकारी उपलब्ध नहीं कराई जाती है कि इस दिनांक को इतने बजे तक या ये विद्युत प्रदाय की व्यवस्था बंद रहेगी, जिस वजह से जो यहाँ जो उपभोक्ता हैं तो उपभोक्ता अपनी जो है तो जो उनकी समस्याएं होती समस्याओं से समाधान की तरफ नहीं जा पाते हैं। ये हमारी प्रमुख समस्याएं हैं। सब स्टेशन कौन सा है? सब स्टेशन यहाँ का खैराही लगता है। ठीक है ठीक। क्या नाम है अपना के? कौन गाँव आइए? चौरा। क्या समस्या है? समस्या ये है कि 15 दिन से लाइट रोज 10:30, 10:30, 11 बजे काट देते करा है। अब जो उनसे संपर्क किया जाए लाइनमैन से तो कहा था कि 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक में आएगी। जो पूछा गया कारण क्या है तो ये बोलते हैं कि हम अधिकारियों का आदेश है कि मतलब अरे चौरा सुनौरी का लाइट काट दो और फिर जब हम कहेंगे फिर आप चालू कर दीजिएगा। और उनसे और पूछा गया कहाँ तो कहा थे कि यहाँ काम चालू है और काम कहीं नहीं चालू है, उनके कहीं लेबर हैं ना और उनके कहीं कर्मचारी हैं। कब से दिक्कत है? 15 दिन से। ठीक। और कलीम खान खाए ले अरे कलीम खान से पूछा जाए तो बार बार ये बोलता है कि यहाँ वो अधिकारी बोले हैं कि हाँ ये ऐसे कर दो। कौन सा गांव है? चौदह लागत बीकम चौदह। समस्या क्या है? 15 दिन से लाइट नहीं है, बड़ी परेशानी है। हाँ। अभी बस्ती में आगू लग गई रही तब बुझावे के ना मोटर चल रहा ना कुछ चल रहा, बड़ी दिक्कत से मैंने आगे बुताई सी। हाँ। 15 दिन से बिना बताए लाइट काट देते थे, 10 बजे चली जाती तो शाम के 6 बजे आवत थी। अब पूरी समस्या एकदम
विकराल ही मन ये तो गर्मी मरत है गांव छोड़ के आता गांव से बाहर बैठ है नामा तेरी समस्या को बतान कि नहीं बतानी समस्या अधिकारी जब यहाँ के लाइन मैन है तो बातें नहीं करे ढंग से कहा थे कि हम काट दिया है समस्या लाइट बना रहे है लाइन मैन को वहाँ यहाँ के कलीम खान कहा थे वो कहा कहा थे वो कहें कि हम यहाँ से लाइट काट दी है हमें यहाँ आदेश रहा है अब हम रीवा चले गए हैं शाम के अब तो जोड़ा आदेश दिखाई कि नहीं दिखाई अपना का जो नहीं दिखाई ना फोन में बातें नहीं करें ढंग से 15 दिन से यह समस्या चल रही है ठीक है।